नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। जैसा आप मेरे पीछे स्मार्ट बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी। और किसके स्ट्रेटजी की? आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की, हाउ टू प्रिपेयर इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था की तैयारी कैसे करें। देखिए, ये इंडियन पॉलिटी इतना शानदार सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने में भी स्टूडेंट्स को मजा आता है। वो जो पढ़ता है ना प्रेसिडेंट के बारे में, गवर्नर के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो उसको लगता है कि हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो सिटीजन है, नागरिक है, भारत का नागरिक है, तो उसे बहुत सारी चीज़ें मालूम है, उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो ये सब्जेक्ट उसको पढ़ने में मज़ा आता है। फिर इसकी एक ही किताब है, आपने जितने भी टॉपर्स हैं या जितने भी एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सभी एक ही बुक को बताते हैं, दैट इज लक्ष्मीकांत। कि लक्ष्मीकांत, केवल और केवल लक्ष्मीकांत पढ़िए। और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि लक्ष्मीकांत वास्तव में शानदार किताब है, लेकिन क्या लक्ष्मीकांत को ओपन किया और पहले पेज से ही पढ़ना शुरू कर दें? तो आंसर इज नो, नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। मैं आज आपको इस जो प्रिपेशन स्ट्रेटजी है इंडियन पॉलिटी की, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको इंडियन पॉलिटी की जो आप शुरुआत करेंगे लक्ष्मीकांत में, वो किस चैप्टर से करेंगे, ठीक है। दूसरा, मैं आपको ये बताऊंगा आज की क्लास में कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, और उन टॉपिक्स में जो करंट का पार्ट है उसके लिए आपके रिसोर्सेस क्या क्या होने चाहिए। तो मैं आशा करूंगा कि आप इस क्लास को देखने के बाद अपना इस एक पेन और पेपर लेंगे, और उस पेन और पेपर पे जैसे मैंने समझाया इसी तरीके से इन टॉपिक को लिख लेंगे, इनके रिसोर्सेज को लिख लेंगे कि हमें कहाँ कहाँ से तैयार करने हैं। और ये आपको करना है, ये टॉपिक पढ़िए, इनके रिसोर्सेज मैं आपको बता ही रहा हूँ, करंट अफेयर्स के मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ, और उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कोई भी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, आपका इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी की बात करूं, तो इंडियन पॉलिटी की वेटेज की देखें, तो अगर मैं 2021 की बात करूं, मैं 2022 का इसलिए डेटा नहीं लिया क्योंकि 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंडियन पॉलिटी से आए, तो उसकी एग्जैक्ट फिगर अभी ठीक से पता नहीं है, ठीक। तो अगर मैं 2021 की बात करूं इंडियन पॉलिटी की, तो लगभग 14 क्वेश्चन आए, 2020 में 17 क्वेश्चन आए, उससे पहले 15 क्वेश्चन आए। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं सारे को एवरेज को देखूं, पूरे अगर सबका पूरा काउंट कर लूं, तो ऑन एन एवरेज अगर निकालूं, तो लगभग 18 क्वेश्चंस, ऑन एन एवरेज 18 क्वेश्चन हर साल आते हैं, लगभग 18 क्वेश्चंस का एवरेज मान के चलते हैं कि इंडियन पॉलिसी 18 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। दोस्तों, अगर आपने ठीक तरीके से इन क्वेश्चंस को देख लिया, मतलब ये क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो आप 18 के 18 क्वेश्चंस करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इंडियन पॉलिटी वास्तव में आसान सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, उन्हीं चीजों से घुमा के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो क्यों ना उन टॉपिक को डीप में पढ़ा जाए। लेकिन कहां से पढ़ा जाए, मैं अभी बताता हूं आपको। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो आपको जो प्रीलिम्स में का जो सिलेबस है, जो यूपीएससी ने जारी किया हुआ है, तो उसका सिलेबस कुछ इस तरीके का है। केवल ये चार पॉइंट दे दिए गए, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आगे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इश्यूज एटसेट्रा। भैया, अगर आप इस सिलेबस को ध्यान में रख के अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इनकी तरह, इन जनाब की तरह पीएचडी की ओर जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली आप आईएएस बने ना बने, लेकिन कुछ समय के बाद आप डॉक्टर जरूर बन जाएंगे, अगर आप इस सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, आपको इस सिलेबस को ध्यान में रख के बिल्कुल स्टडी नहीं करनी है, तो किस सिलेबस पे आपको फोकस करना है? आपके लिए सिलेबस होना चाहिए, तो आपको क्या क्या पढ़ना है आपके पास, आपको पता है लक्ष्मीकांत की बुक, नो डाउट, बहुत शानदार किताब है, मैं भी लक्ष्मीकांत की बुक ही पढ़ता हूं। तो लक्ष्मीकांत की बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो लक्ष्मीकांत की बुक से आपको तो प्रीएम्बल तैयार करना है, दूसरा आपको शेड्यूल्स, आपको पता है 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 सूचियां हैं, उनको पढ़ना है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब किस तरीके से संविधान का विकास हुआ, ये चीजें हमें पढ़नी होती है इंडियन पॉलिटी में। नागरिकता, सिटीजनशिप पढ़नी होती है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, डायरेक्टर स्टेट, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर यूनियन की बात करेंगे हम, यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे, पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, जुडिशरी में पढ़ना होता है, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल इन्हीं की तरह तर्ज पर होता है ये भी काफ़ी हद तक, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम अच्छे से जानेंगे,
फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी यूटी के बारे में पढ़ना होता है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एरियाज, जो स्पेशल एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा जाना आवश्यक है, जरूरी है। एमरजेंसी प्रोविजंस आर्टिकल नंबर 356 352 से लेकर 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात की गई है, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, 365 में फिर प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। ठीक है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 356 में जो प्रेसिडेंट रूल है और आर्टिकल नंबर 365 में जो प्रेसिडेंट रूल है उन दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद अब स्टेट सेंट्रल एंड इंटरस्टेट रिलेशनशिप पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी इसको आप पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो संवैधानिक निकाय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ेंगे आप, ट्राइब्यूनल पढ़ेंगे जैसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के लिए ट्राइब्यूनल्स होता है, स्पेशल प्रोविजन फॉर एससी एंड एसटी ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण टॉपिक इसको पढ़ना होता है आपको, स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए जो प्रोविजन है वो आपको पढ़ने होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सारे आपको टॉपिक कवर करने हैं। इसके अलावा आपको इनसे रिलेटेड जो भी करंट में टॉपिक आ रहे हैं, जो भी करंट में मुद्दे हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, उन सबको आपको पढ़ना है, राइट। तो ये सारे के सारे दोस्तों टॉपिक हैं, ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो आपको इंडियन पॉलिटी में पढ़ना होता है। आप कुछ नहीं 5-6 बार इनको रिवाइज करेंगे तो ये आपके टिप पर हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से रट जाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लक्ष्मीकांत ने बड़े अच्छे से शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आपको लक्ष्मीकांत की बुक ही फॉलो करनी है। इसके लिए किसी भी बाकी किताब के चक्कर में मत जाइएगा, केवल लक्ष्मीकांत को पढ़िएगा, ठीक। अब बात है कि जो करंट के लिए, करंट में हम क्या क्या पढ़ना है हमें, तो देखिए करंट में आपको क्या करना है, जो रिसेंट इश्यूज हैं, जो भी रिसेंट इश्यूज हैं और वो किससे रिलेटेड हैं, जो मैंने ये सारी कैटेगरी दी है, इससे अगर रिलेटेड कोई भी इश्यूज है रिसेंट में तो आप तुरंत ही उसको पढ़िए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्कीम्स, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, मिशंस हैं, कोई भी लॉ आया है एंड पॉलिसीज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम्स लॉन्च किए, प्रोग्राम लॉन्च किया, मिशन लॉन्च किया, कोई नया कानून बनाया है, कोई कानून एक्ट पास हुआ है, कोई पॉलिसीज बनाई है, तो आप उसको भी आपको पढ़ना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पॉलिटी, क्योंकि करंट का पार्ट हो जाता है। इसके अलावा रिसेंट गवर्नमेंट बिल्स, सरकार के रिसेंटली कोई बिल्स हैं, गवर्नर्स एक्शन से कोई एक्शन लिया है प्रशासनिक, ठीक है, शासनिक कोई एक्शन लिया गया है, तो इसको आपको पढ़ना है। तो करंट में आपको इन इन तीन तरीके के मुद्दों पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात है कि रिसोर्सेस कहाँ से पढ़े, इन सबको आपको कहाँ से पढ़ना है दोस्तों, तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ रिसोर्सेस कहाँ से हैं। इन रिसोर्सेस से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, याद रखिएगा जो स्टडी मटेरियल है आपका यूपीएससी में, जो स्टडी मटेरियल है ये बैरियर का काम भी करता है आपके सिलेक्शन में, आपके सिलेक्शन को रोक देता है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजिकल तरीके से इस स्टडी मटेरियल का भी इस्तेमाल नहीं करना आता आपको, तो ये आपके लिए एक बैरियर का काम करेगा। आपको 10 किताबें नहीं पढ़नी है, आपको एक ही किताब 10 बार पढ़नी है। ये सिंपल और एक आसान सा तरीका है दोस्तों, सिंपल एंड इजी वे। क्या करना है आपको, आपको एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 किताबों को आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है, आपको एक ही किताब को कई बार पढ़ना है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपका रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, कहां से आपको इंडियन पॉलिटी तैयार करनी है। तो देखिए इंडियन पॉलिटी के लिए जो एक हमारे लिए शास्त्र है वो है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत की बुक शानदार है। एम लक्ष्मीकांत में जो जो मैंने आपको अभी टॉपिक बताए हैं, ये जो टॉपिक बताए हैं ये सारे पढ़ने हैं आपको। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है, किस चैप्टर से करनी है, कि प्रीएम्बल से पढ़ना है या फिर जो हिस्टोरिकल डेटा है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़ना है, ठीक है, चार्टर एक्ट पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने, वो मैं अभी बताता हूं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सारे टॉपिक तो आपको कवर करने ही है। तो अब आपको सबसे पहले लक्ष्मीकांत से ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। लक्ष्मीकांत इज रियली अ गुड बुक, बहुत शानदार किताब है। तो लक्ष्मीकांत के अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी। अब कुछ कहेंगे डीडी बासु पढ़ लीजिए, ये भैया इतना इतना चक्कर में मत पढ़िए, केवल और केवल एक बुक पढ़िए, दैट इज द एम लक्ष्मीकांत, शानदार किताब है। उसके अलावा अब मैंने आपको बताया करंट वाला पार्ट, करंट के लिए इन सारी चीजों का आप इस्तेमाल कीजिए। नंबर एक,
न्यूज़पेपर ले लीजिए द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस। अगर आपको हिंदी मीडियम का कोई न्यूज़पेपर, आप हिंदी इंग्लिश मीडियम नहीं है आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम का कोई भी अखबार ले लीजिए, हिंदुस्तान ले लीजिए, दैनिक जागरण ले लीजिए, लेकिन मैंने जिन जो टॉपिक आपको बताया उससे रिलेटेड ही आपको करंट में केवल और केवल यही टॉपिक पढ़ने हैं। अब ये नहीं कि आलिया भट्ट की शादी उससे हो गई तो इसको हम पढ़ रहे हैं, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं ना, कोई मीनिंग नहीं। केवल आपको इन तीन टॉपिक से रिलेटेड ही आपको इंडियन पॉलिटी के लिए करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में देखना है। ठीक, नंबर एक द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, अगर आप इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से, तो कोई भी हिंदुस्तान और दैनिक जागरण, जो भी आपको सही लगता है न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं। उसके बाद एक साइट है pib.nic.in, इस साइट्स पर आप समय समय पर जाते रहिए, हर 3 से 4 दिन के अंदर, 3 to 4 days के अंदर इस साइट्स को चेक करते रहिए, 3 से 4 दिन के अंदर, और जो मैंने करंट के जो मुद्दे बताए हैं उनसे रिलेटेड अगर कुछ भी आपको मिल रहा है तो तुरंत क्या कीजिए, उनको नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। PRS इंडिया की साइट्स पर जाइए, यहाँ पर भी अगर करंट का कोई डेटा मिलता है आपको इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो उसको तुरंत ही नोट कर लीजिए। योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन, ये एक रामबाण का काम करती है, शानदार दोनों मैगजीन है, इनको आपको पढ़ना है, योजना एंड कुरुक्षेत्र दोनों को पढ़ना है, शानदार मैगजीन्स हैं, ठीक है। इंडियन ईयरबुक, यस, देखिए बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं जो आपको इंडियन ईयरबुक में डायरेक्ट मिल जाते हैं, तो वो जो इंडियन ईयरबुक है जिसको पब्लिश करता है द पब्लिकेशन डिवीजन, इस इंडियन ईयरबुक को भी आप एक बार, इसके वो चैप्टर जो आपके इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं उन सारे चैप्टर्स को एक बार देख लीजिए। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसकी वेबसाइट पे जाते रहिए और क्या कीजिए, जो भी मैंने बताए हैं टॉपिक्स ये वाले, इनमें से कुछ भी अगर आपको अपडेशन मिलता है, कोई भी अपडेशन आता है तो तुरंत ही क्या कीजिए, उस अपडेशन को कहां लिखिए, अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए, राइट। तो मैंने आपको बता दिया रिसोर्स, ठीक है, रेफरेंस बुक्स एंड अदर सोर्सेज फॉर द पॉलिटी, ठीक है, तो ये सारे के सारा करंट के लिए आपको तैयार करना है जो रेड कलर में है, और आपको लक्ष्मीकांत तो केवल एक ही किताब है जो ब्रह्मास्त्र है, बस इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, दैट विल बी सफिशिएंट। बस क्या कीजिए, समय समय पर इसको रिवाइज करते रहिए, जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा इस किताब में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट, इस बुक को पढ़ना कैसे लक्ष्मीकांत को, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक ली और शुरुआत से फर्स्ट स्टार्टिंग से जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पढ़ना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने का। अब आपको ये बुक कैसे पढ़नी है दोस्तों, देखिए नंबर एक, इसके अंदर जो हिस्टोरिकल डेटा है वो आपका हिस्ट्री में कवर हो जाएगा, हिस्ट्री में रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ठीक है, मेंटो का चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से, ये सारे के सारे कहाँ कवर हो जाएंगे, आपकी सारे के सारे हिस्ट्री में कवर हो जाएंगे, राइट, ये सभी के सभी आपके हिस्ट्री में कवर हो जाएंगे। अब आपको पढ़ना कहाँ से, तो ये पार्ट नहीं करना आपको, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको छोड़ दीजिए, वो आपको नहीं पढ़ना, तो कहाँ से पढ़ना है, देखिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, इस बुक को ओपन कीजिए, इसके अंदर जो चैप्टर है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को पढ़िए, जैसे ही आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कवर कर ले उसके बाद तुरंत ही गवर्नर पढ़िए, यानी कि आप यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेम होती है, तो जो चीजें आप प्रेसिडेंट में पढ़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट में पढ़ रहे हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको गवर्नर में भी वही मिले, तो यानी कि ये वाला डेटा आपका यहाँ रिवाइज होता रहेगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपको पीएम और कैबिनेट के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, पीएम और कैबिनेट के बारे में पढ़ना है, पीएम और कैबिनेट को पढ़ते ही आप तुरंत स्टेट पे आ जाएंगे, जिसके अंदर सीएम चीफ मिनिस्टर चैप्टर है उसको पढ़ना है आपको। इसी तरीके से पार्लियामेंट पढ़नी है, पार्लियामेंट्स के अंदर प्रोरोग क्या होता है, समनिंग क्या होता है, सब कुछ डिटेल में, मोशंस क्या होते हैं, सब कुछ आपको कवर में अच्छे से करना है। उसके बाद इसके अंदर बजट और जो डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी, उनको करना है, और इसी की तर्ज पर आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पढ़ना है। अगर कहीं पर एक दो स्टेट्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं तो उसकी भी डिटेल आपको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में, ठीक है। जैसे अभी कुछ समय पहले पूछा गया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट पढ़िए, और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही पढ़ें तो तुरंत ही हाई कोर्ट पढ़िए,
क्योंकि बहुत सारी चीजें दोनों में कॉमन होती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का रिविजन हाई कोर्ट में कर जाएंगे बहुत सारी चीजों का। इसी तरीके से फिर आप सेंट्रल के लिए यूपीएससी पढ़िए और स्टेट में स्टेट पीएससी पढ़िए। तो ये तरीका है, यानी आपको कहां से शुरुआत करनी है, आपको शुरुआत करनी है दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स के प्रेसिडेंट से, ना कि उस हिस्टोरिकल डेटा से। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस चैप्टर से आपकी शुरुआत नहीं करनी है, आपको तुरंत ही प्रेसिडेंट से शुरुआत करनी है। उसके बाद जब आप ये सारे टॉपिक कवर कर लें, यानी कि ये तकरीबन 10 चैप्टर जब आपके कवर हो जाएंगे, तो 10 चैप्टर कवर करने के बाद आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स। देन यू विल मूव टू द फंडामेंटल राइट्स, आफ्टर दैट फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड नेक्स्ट विल बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ना है, यानी राज्य नीति के निदेशक तत्व जो है उनको पढ़ना है। उसके बाद आप जाएंगे प्रोविजंस एप्लीकेबल टू एलियंस, जो एलियंस के लिए जो हमारे प्रोविजंस हैं उसको एक बार फोकस करना है। एनआरआई एंड पीआईओस, ये बेसिकली सिटीजनशिप का पार्ट है, जो सिटीजनशिप चैप्टर है उसका पार्ट है, तो इस पर एक बार देख लीजिएगा, यानी कि प्रोविजंस एप्लीकेबल टू एलियंस, एनआरआई एंड पीआईओस ये क्या होते हैं, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको जितने भी अमेंडमेंट्स हैं कि अमेंडमेंट 100वां अमेंडमेंट किस लिए हुआ, 101 अमेंडमेंट किस लिए हुआ, 104 अमेंडमेंट किसके लिए हुआ, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो 2 मेंबर होते थे पार्लियामेंट से उसको अब खत्म कर दिया गया, ये किस अमेंडमेंट के तहत हुआ, तो इसकी आपको नॉलेज रखनी है। यानी जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं अभी तक टोटल, उन सारे अमेंडमेंट्स को आपको पढ़ना है अच्छे से, कई बार रिवाइज कीजिए, हो सकता है आपको पहले ही दूसरी बार में याद ही ना हो, डोंट वरी, सबके साथ ऐसे ही होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको 5th and 6th शेड्यूल्स एरियाज, जो 5वें और 6ठे शेड्यूल के अंदर जो एरियाज आते हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। एक बार आप आर्टिकल नंबर 370 को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में G20 पे कुछ डिस्कशन हुआ है कि शायद कोई यहाँ पर नेक्स्ट मीटिंग हो, तो इसलिए आप एक बार 370 को, आर्टिकल नंबर 370 को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन है, जो आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं उसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के बारे में देख लीजिएगा। वैसे अब प्लानिंग कमीशन की जगह आप नीति आयोग रख सकते हैं, नीति आयोग को पढ़ लीजिएगा। लेकिन बेसिकली क्या है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किससे, आपके जो क्वेश्चन है 5-year प्लान से, तो इसलिए एक बार थोड़ा सा प्लानिंग कमीशन को भी गो थ्रू कर लीजिएगा। एनडीसी, ठीक है, एनडीसी को एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद कुछ बॉडीज हैं, जैसे बॉडीज में स्टैट्यूटरी बॉडीज आप देख लीजिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है, वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस एग्जीक्यूटिव्स, इनको देख लीजिएगा, इनके स्ट्रक्चर्स को, इनके फंक्शंस को। और बाद में आप बहुत कुछ पाएंगे इंडियन ईयर बुक में भी, तो इंडियन ईयर बुक में जो चैप्टर्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स के उन सबको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आपने दोस्तों अगर ये इस तरीके से इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, केवल लक्ष्मीकांत ही शानदार बुक है मैं ये कहूँगा, अगर आपने लक्ष्मीकांत से इस तरीके से आपने शुरुआत करी कि पहले प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद गवर्नर, तो आप देखेंगे कि आपका 2 दिन के अंदर ही प्रेसिडेंट दोबारा रिवाइज हो रहा है गवर्नर की फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में क्या होती है, इंटरलेट होती है। तो आपको ऐसे पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना है आपको, राइट। चलिए तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलें, ताकि जो भी मेरी वीडियोस चैनल पे आएगी टेक्स्ट बुक पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।